वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एंटीसेप्टिक सोप हम घर पर किस तरह से बनाएं, बस यही वीडियो लेकर आई हूं। तो यहां पर मैंने कड़वे नीम की पत्तियां ली हैं और साथ ही साथ मैंने यहां पर लिया है कुछ एलोवेरा। तो एलोवेरा का छिलका मैंने उतार लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में एलोवेरा को काट लिया है, जिसे कि अभी हम ग्राइंड करेंगे और बढ़िया अच्छा इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। एलोवेरा, जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसका इस्तेमाल हम इस सोप में करने वाले हैं। और जो ये नीम है दोस्तों, कड़वा नीम एंटीसेप्टिक होता है, गुणों का भंडार होता है और हर तरह के वायरस को, हर तरह के बैक्टीरिया को मारने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस सोप को हम बनाकर रख रहे हैं दोस्तों, ताकि हम बार बार इस बढ़ते हुए वायरस संक्रमण से बच सकें और साथ ही साथ अपने हैंड को कम से कम 4 से 5 बार आपको वॉश करना है। इस साबुन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 साबुन लिए हैं। जो बचे बचे साबुन के टुकड़े हैं दोस्तों, आप वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नया साबुन लें। नीम की पत्तियों को मैंने धोने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो नीम युक्त ही हम इस साबुन को बना रहे हैं, एंटीसेप्टिक साबुन को बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, ग्रेटर की मदद से आपको साबुन को इस तरह से ग्रेट करना है। यदि आपके पास पियर्स साबुन है तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो जो भी साबुन के टुकड़े आपके पास बचे हुए हैं, आप उन टुकड़ों को लेकर इस साबुन को बना सकते हैं। तो साबुन तो बहुत ही सॉफ्ट होता, मेरे पास भी 2-3 अलग अलग तरह के जो साबुन थे, दोनों तीनों साबुन को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और नीम की जो पत्तियां हैं उसे भी मैंने पीस लिया है। नीम जो बहुत ही बढ़िया कीटाणुनाशक होता है, हमारे हाथ में लगे हुए जर्म्स को बिल्कुल ही हटा देता है, ख़त्म कर देता है, तो इसलिए हम इसमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। एक बर्तन में मैंने साबुन डाल दिया है, आप जितना बड़ा साबुन बनाना चाहते हैं उतने साबुन को आप ग्रेट कर लें। तो 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर कड़वे नीम की पत्ती और एक एलोवेरा की पत्ती ली थी, उसे मैंने खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें पानी भी डाला है और बस गैस चालू कर दिया है। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक के बढ़िया अच्छा उबालना है, ताकि साबुन जो है वो अच्छी तरह से पिघल जाए। तो ये देखिए, बस चलाते रहना है आपको, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, बस मेल्ट करना है हमें इसे। तो अब आप देख सकते हैं साबुन बढ़िया अच्छी तरह से उबल चुका है और अब इसमें मैं डालूंगी डेटॉल। 2 चम्मच मैं इसमें डेटॉल भी डाल रही हूँ। नीम तो खैर अपने आप में ही एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, परंतु हमने इसमें डेटॉल भी डाल दिया ताकि हमारा ये जो साबुन है बहुत ही बढ़िया पावरफुल बन सके और इस बढ़ते हुए वायरस इन्फेक्शन से हमें बचा सके। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत कम मेहनत में हम इसे बना सकते हैं। बार बार हमारे पास टाइम नहीं होता कि नीम की पत्तियों को हम पीसें और नीम का लोशन बनाएं और फिर अपने शरीर में लगाएं, चेहरे पर लगाएं या अपने हाथ पर लगाएं। तो इस साबुन को आप बना कर रखें, आप चाहें तो इसे अपने पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं और आप अपने हैंड भी इससे वॉश करें, खुद के भी करें, बच्चों के भी हाथ आप इस साबुन से वॉश करें। तो ये होममेड एंटीसेप्टिक साबुन बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाएं। किसी भी डब्बे में आप इसे सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने भी प्लास्टिक की इस तरह से कटोरियां ली है। जिस भी कटोरी में आपको सेट करना है उसमें आप एक बूंद तेल लगा लें या फिर वैसलीन लगा लें। तो मैंने इस डब्बे में खूब अच्छी तरह से वैसलीन लगा दिया है ताकि हम इसे आसानी से डीमोल्ड कर सकें और जो हमारा नीम और एलोवेरा डेटॉल युक्त जो सोप है उसके इस लिक्विड को मैं इस कटोरी में डाल रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आप चाहें, यदि जल्दी है तो फ्रीज में रखें, 20 से 25 मिनट में ही ये जम जाता है। तो पूरे 25 मिनट के बाद की शूटिंग है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा कटोरी को थपथपाएं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। वाव, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमने नीम युक्त एंटीसेप्टिक साबुन बनाया है, जिसमें कि नीम की ढेर सारी पत्तियों का पल्प है, एलोवेरा का पल्प है, साथ ही हमने इसमें डेटॉल भी यूज़ किया है। इस साबुन से दोस्तों, यदि आप 4 से 5 बार अपने हाथों को धोएंगे, वॉश करेंगे, तो कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों में नहीं टिक पाएगा। तो ये देखिए, मैंने भी खूब अच्छा हाथों में लगा लिया है और खूब अच्छी तरह से आपको हाथ धोना, रगड़ रगड़ कर, ऐसा नहीं दोस्तों कि साबुन लगाया और पानी में लगा लिया हाथ।
हाथों के पीछे लगाइए, उंगली में, नाखून में, चारों तरफ से आप इसे लगाएं। उसके बाद ही पानी की धार में आप अपने हैंड वॉश करें। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।